गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा सैनी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। और हमने मैथ्स में हमारा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 की थी और उसमें हमने देखा था कि डेसिमल एक्सपेंशंस में कैसे हम नंबर को लिखते हैं और कैसे हम उन्हें डिवाइड करते हैं। तो वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब वो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा, मतलब वो रेशनल नंबर है। लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा है पर रिपीट हो रहा है, तो भी उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो हम उसे इरेशनल नंबर ही कहेंगे। तो इसीलिए हमें क्वेश्चन नंबर देखो फिर सेवेंथ है कि राइट, और उसके हमने क्वेश्चंस भी किए थे, फिर हमें क्वेश्चन नंबर सेवेंथ करना है कि राइट थ्री नंबर्स हूज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कि हमें ऐसे तीन रेशनल नंबर लिखने जो टर्मिनेटिंग भी नहीं हो और इरेशनल लिखना है, पहली बात ठीक है। और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिपीट भी नहीं हो रहे और खत्म भी नहीं हो रहे, तो मतलब उन्हें तो इरेशनल नंबर ही कहेंगे। तो वो मैंने पहले से लिख रखे है कि रूट थ्री की वैल्यू आप करते जाओ, निकालते जाओ, निकालते चलिए, कभी भी ना खत्म होता है ना वापस से रिपीट होती है। जैसे पाई है, आप चाहो तो पाई की वैल्यू लिख सकते हो, आप चाहो तो रूट टू लिख सकते हो और रूट सेवन। ये ऐसे कुछ वैल्यूज है जो कभी भी क्या नहीं होती है, रिपीट नहीं होती और खत्म भी नहीं होता, इनका डिविजन चलता ही रहता है। तो इसीलिए हम मैंने तीन आपके लिए पहले से ही लिख के रखी है कि ये सारी जो तीन वैल्यू है ये आपकी क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी। ओके ओके, अब देखो नेक्स्ट, ये पहले से ये रूट थ्री, रूट 26 और रूट 101, आप चाहो तो कुछ और भी इनकी जगह लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि फाइंड थ्री रेशनल नंबर इरेशनल नंबर बिटवीन दीज, 5/7 और 9/11 के बीच में हमें तीन इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले ठीक है, हमने क्या किया कि 5/7 को मतलब 7 को 5 से डिवाइड किया तो ये आया, मतलब 7, 1, 4, 2, 8, 5 के बाद में ही अपने आप को रिपीट करेगा। फिर 9 को 11 से डिवाइड किया, या 11 को 9 से डिवाइड किया तो 0.81 आया, जो बार बार रिपीट होता रहा। अब इनके बीच में आपको तीन इरेशनल नंबर लिखने। इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि जो आपस में रिपीट नहीं करते लेकिन ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए रेशनल नंबर हुआ है कि खत्म तो नहीं हो रहे लेकिन इस 5 के बाद में वापस रिपीट होंगे, तो उन्हें हम रेशनल नंबर कहेंगे। इरेशनल जो वापस रिपीट नहीं होते, तो आप वो कोई भी लिख सकते हो, बस 7, 1 और 8, 1 के बीच का होना चाहिए। तो 7, 1 और 8, 1 के बीच में आप कोई से भी नंबर लिख सकते हो। देखो जैसे मैंने लिखा 0.720, फिर 7200, फिर 72000, फिर 7200000, क्या ये रिपीट हो रहा है क्या वापस इसमें 72 पर, यहाँ पे 10 यहाँ 2030, तो ये मतलब क्या हो रहा है, ना ही क्या हो रहा है खत्म हो रहा है और ना ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो ये नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए इरेशनल हो जाएगा। 0.75 लिख सकती हूँ मैं, 0.7500, 7500, 7500000, ये भी ऐसे ही है, बस आप ऐसे कोई भी तीन नंबर लिख सकते। 81 से कोई भी छोटा होना चाहिए, बस 0.7900, 7900, 7900, 7900, 0, बस 0 बढ़ाते जाओ, नंबर कोई भी लिखो 71 और 81 के बीच में और 0 बढ़ाते जाओ, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा कि नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग टर्म हो जाएगी। 80 भी लिख सकते हो, 80 10 आ गया, फिर 820 आ गए, फिर 830 आ गए, फिर 840 आ गए, आप कोई भी नंबर अपनी इच्छा से आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, कि बस आपको ध्यान रखना है कि हम कौन कौन से नंबर लिख रहे हैं और वो 71 और 81 के बीच में है या नहीं है, ठीक है, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल, ठीक है, हमें इनको बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। तो देखो रूट 23 की वैल्यू होती है 4.7958315 और ये आगे बढ़ती ही रहती है, खत्म नहीं होती है और ना ही अपने आप को ये रिपीट कर रही है क्या रिपीट, नो, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज रेशनल या इरेशनल, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज इरेशनल, तो ये कैसा है, इरेशनल है, ठीक है। नेक्स्ट रूट 225, रूट 225 किसका होता है, अंडर रूट 15 का होता है, हमें पता है 15 तो क्या है फिक्स, खत्म भी हो गया, तो मतलब इट इज रेशनल, तो ये कैसा हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा।
अब रूट 0.3796 आगे डैश डैश है, नहीं है, मतलब ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब इट इज टर्मिनेटिंग, मतलब ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है ना, और जो टर्मिनेटिंग होता है मतलब उसे क्या कहते हैं हम, इट इज रेशनल, मतलब उसे हम क्या कहते हैं रेशनल, जो टर्मिनेटिंग होता है मतलब कि जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है उसे हम रेशनल ही कहते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4, 7.478 देखो 478 रिपीट हो रहा है, मतलब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 7.478 पे बार लिख सकते हैं, और हमने आपको कहा था बताया था कि बार है और खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन उसके ऊपर बार है, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और जब भी रिपीटिंग हो जाए तो मतलब वो कैसा नंबर है, वो रेशनल है, वो कैसा है, वो रेशनल है। जैसे फिफ्थ में देखो ना ही तो ये ना ही खत्म हो रहा है और ना ही अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो गया, ये कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग को हम क्या कहते हैं इरेशनल, क्या कहते हैं इरेशनल। बस ध्यान रखना है कि अगर खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट कर रहा है, रिपीट आते ही रेशनल, और ना ही रिपीट कर रहा है ना ही खत्म हो रहा है, तो वो हो जाएगा आपका इरेशनल, बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ओके तो देखो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं, कि जो भी नंबर होते हैं रेशनल हो या इरेशनल हो, रियल मतलब ये होता है कि रेशनल या इरेशनल, तो उसे हम कैसे नंबर लाइन के ऊपर डिनोट करेंगे, तो ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके तब तक आपको जो रेशनल या इरेशनल है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से उन्हें क्या करना है सॉल्व करना और पढ़ना है अच्छे से। ओके तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।